have already learned about kidney, nephron, structure of kidney, structure of nephron. So what is nephron? The structural and functional unit of kidney is called nephron. Now, kidney is the main excretory organ of human and other vertebrate animal. So what is accessory respiratory organ? Or we which respiratory organ hai human mein? So pehle role of nephron in the formation of urine. So nephron forms urine in the following process. Pehle kya hai? Filtration. Glomerulus of nephron possesses filtration pore. Nephron ka jo glomerulus part hai usme filtration pore hai. Glomerulus part matlab ye Bowman's capsule ke upar jo part hai ye hoche glomerulus portion. So it filters the non-colloidal parts of plasma. Plasma mein jo non-colloidal parts hai, usko filter karke kya Bowman's capsule mein bhej deta hai, jo liquid portion hai. After filtration from glomerulus, as a result a watery solution of glucose, jo watery solution hai, amino acid, urea, uric acid, NaCl is formed. This is called glomerular filtrate. The daily rate of formation of glomerular filtrate 170 liter. It is alkaline base type. Tale iske baad तो फर्स्ट स्टेज होती है फिल्ट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस में जो फिल्टर होता है वो फिल्टर होने के बाद कहाँ पे चला आता है? बोमान्स कैप्सूल में. फिर बोमान्स कैप्सूल से कहाँ पे जाता है? जो ट्यूब्यूलर पोर्शन है, जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो ब्लड को फिल्टर करके ब्लड का जो वाटरी पोर्शन है उसको और वाटर के साथ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, NaCl सब कहाँ पे भेज देता है? बोमान्स कैप्सूल में. इसके ठीक नीचे जस्ट कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहता है बोमान्स कैप्सूल. रीअब्सॉर्प्शन. व्हेन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द रेनल ट्यूब्यूल, different essential substances जैसे glucose, water, salts, amino acid are reabsorbed and brought back to blood. ये फिर absorb होके blood में चला जाता है. Reabsorption of water with NaCl, glucose, amino acid takes place in the proximal convoluted tubule. किसके द्वारा absorb होता है? रेनल ट्यूब्यूल का जो फर्स्ट पार्ट है जिसका नेम क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इसके द्वारा NaCl, ग्लूकोज ये सब एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर ब्लड में चला जाता है. और नेक्स्ट ट्यूब्यूल होच्छे लूप ऑफ हेनली. इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाटर इज रीअब्जॉर्ब. ताले डिस्टल में क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब होता है. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH हार्मोन. ADH हार्मोन होते एंटी डायरेटिक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेशन होता है. हाइपोथैलेमस कहाँ पे है? ब्रेन में. तो वहां से सिक्रेशन होता है ADH हार्मोन. यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा आर नॉट रीअब्जॉर्ब. खाली क्या होता है? वाटरी एब्जॉर्प्शन होता है. यूरिया, यूरिक एसिड नहीं होता है. यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल चला जाता है. ये होते हार्मफुल सब्सटेंस जो है नाइट्रोजेनस सब्सटेंस है. यूरिया, यूरिक एसिड जो
एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, द रेनल ट्यूब्यूल नॉट ओनली रीअब्सॉर्ब यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड बट ऑल्सो सीक्रेट सम अनवांटेड सब्सटेंसेस लाइक सल्फर कॉम्पाउंड ऑर्गेनिक एसिड क्रिएटिनिन एसेट्रा इन टू द ट्यूब्यूलर लुमेन फॉर एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन। तो द रेनल ट्यूब्यूल जो है जिसको तीन ठो पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल ट्यूब्यूल, वो क्या करता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है यूजफुल जो सब्सटेंस है उसको, जैसे ग्लूकोज एमाइनो एसिड जो यूजफुल है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी जो हार्मफुल सब्सटेंस है जैसे यूरिया क्रिएटिनिन यूरिक एसिड उसको पास कर देता है यूरिन के साथ। सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, द ट्यूब्यूलर एपिथेलियम ऑल्सो सिंथेसाइजेस एंड एड सम न्यू सब्सटेंसेस लाइक बेंजोइक एसिड, ये एक एसिड है जो बेंजीन से फॉर्म होता है, एच प्लस आयन, हिप्यूरिक एसिड, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एमोनिया एसेट्रा, इसको सिंथेसाइजेस करता है टू यूरिन। अच्छा, ताले ट्यूब्यूलर एपिथेलियम, ट्यूब्यूलर सेल के अंदर जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम टिश्यू, वो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, मतलब संश्लेषण करता है, फॉर्म करता है क्या, एंड एड्स, एड करता है सम न्यू सब्सटेंस, बेंजोइक एसिड, एच प्लस आयन। एच प्लस आयन कहाँ से होता है, वाटर से, जब वाटर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो H प्लस OH माइनस आयन में डिवाइड हो जाता है, हिप्यूरिक एसिड, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एमोनिया एसेट्रा, इसको ऐड करता है यूरिन के साथ, ये सब सब्सटेंस यूरिन के साथ ऐड कर देता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हिप्यूरिक एसिड आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एमोनिया इज फॉर्म्ड बाय डीएमाइनेशन रिएक्शन ऑफ एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड से एमोनिया फॉर्म होता है इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल में। ताले फॉस्फेट हिप्यूरिक एसिड होच्छे प्रॉक्सिमल पार्ट में और एमोनिया फॉर्म होता है कहाँ पे, डिस्टल पार्ट में। दस बाय द अबव मेंशन प्रोसेसेस 170 लीटर्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पार्ट डे, ताले ग्लोमेरुलस के द्वारा कितना अमाउंट फिल्ट्रेट होता है, 170 लीटर पार्ट डे। एज ए रिजल्ट 1 to 5 लीटर ऑफ यूरिन आर फॉर्म, उसमें से रीअब्सॉर्ब हो जाता है जो क्या है, यूजफुल सब्सटेंस है, और बाद में 1 to 5 लीटर यूरिन बन के बॉडी से पास हो जाता है विथ हार्मफुल सब्सटेंस जैसे यूरिया क्रिएटिनिन यूरिक एसिड इसके साथ। ताले डेली कितना यूरिन फॉर्म होता है पार्ट डे, 1 to 5 लीटर इन 24 आवर, 24 घंटा पार्ट डे में 1 to 5 लीटर यूरिन फॉर्म होता है। अच्छा, नेक्स्ट होच्छे एक्सेसरी एक्सक्रेटरी ऑर्गेन स्किन, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी के आउटर कवरिंग में क्या है, स्किन। तो स्किन के द्वारा जो पसीना निकलता है वो भी एक या उसके साथ भी कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी से निकाल जाता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉल्ट। पसीना का टेस्ट क्या है, जब यहाँ से आके थोड़ा माउथ में आएगा तो देखोगे सॉल्टी टेस्ट आता है, उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट निकल जाता है। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड एक्सक्रीशन, तो वाटर निकल जाएगा और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होगा।
एक्सेस वाटर विथ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब क्या है, सॉल्ट। नाइट्रोजेनस वेस्ट यूरिया एमोनिया एंड ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्वेट ग्लैंड्स, क्या होता है, एंड ऑयली सब्सटेंस जैसे फैटी एसिड कोलेस्टेरॉल हाइड्रोकार्बन थ्रू सेबासियस ग्लैंड। त्वक के नीचे एक ग्लैंड है जिसे कहता है सेबासियस ग्लैंड, जिसमें एक्स्ट्रा फैट स्टोर होकर रहता है, तो जो पसीना निकलता है स्वेट निकलता है तो उसके साथ एक्स्ट्रा फैट सॉल्ट यूरिया ये भी निकाल के बाहर चला जाता है, एक्स्ट्रा हार्मफुल सब्सटेंस है। नेक्स्ट लंग्स, लंग्स में से क्या निकलता है, लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जाता है बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, तो लंग्स आर द चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट एक्सेप्टिंग फिशेस। फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल, और वर्टिब्रेट का क्या है, लंग्स। तो लंग्स के द्वारा एक्सक्रीट वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म फ्रॉम सेलुलर रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ थोड़ा वाटर लंग्स के द्वारा निकाल जाता है नोज में से। लीवर, लीवर होते डाइजेस्टिव ग्लैंड इन द बॉडी, लीवर फॉर्म्स एंड एक्सक्रीट कोलेस्टेरॉल बाइल विथ बाइल सॉल्ट, लीवर क्या फॉर्म करता है, बाइल एंड बाइल पिगमेंट जिसे कहता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन।